नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खी। सरकार तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर क्या सरकार के द्वारा किए जा रहे किसानों के हित में कार्यों से किसानों को कोई भी सुविधा मिल पाती भी है या नहीं? क्योंकि सरकार जब भी कोई सुविधा किसानों के लिए लॉन्च करती है तो उसका कोई भी लाभ किसानों को नहीं मिलता है। यहां बैठे हुए अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं। दिखाया जा रहा है वीडियो जिला सीतापुर के विकासखंड बहटा की ग्राम पंचायत सुमेर का है, जहां पर महमूदाबाद की चीनी मिल का नरन सी के नाम से गन्ना क्रय केंद्र बनाया गया है। परंतु किसानों का कहना है कि इस क्रय केंद्र का एरिया तो काफी दूर तक है, परंतु यहां से मिल तक गन्ना ले जाने के लिए मात्र दो ट्रक ही है जो क्रय केंद्र पर तीसरे दिन तक पहुंचते हैं, और तब तक किसानों की फसल खराब होने लगती है और जानवरों का इतना ज्यादा आतंक है कि यहां पर गन्ने की फसल को ही नहीं बल्कि सारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसानों ने गन्ना क्रय केंद्र की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, पर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ के किसानों का क्या कहना है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सीतापुर से नारायण कुमार विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सुमेर, यहाँ पे हमने देखा है किसानों को बहुत सारी समस्याएं हो रही। इन किसानों का कहना है कि हमारे यहाँ पे जो सेंटर लगा हुआ है गन्ना मिल चीनी उद्योग है, इनके यहाँ महमूदाबाद है और वहाँ पर इन लोगों का गन्ना जाता है क्रय होकर के। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है किसान लोग बोल रहे हैं इतनी समस्या हो रही है कि तीन दिन के बाद एक या दो ही ट्रक आती हैं और यहाँ पे ट्रालियों की लाइन लगी हुई है। किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, उनका गन्ना सूख रहा है और यहाँ पे बहुत सारे जानवर आते हैं, इन लोगों का नुकसान करते हैं। आइए जानकारी लेते हैं इन लोगों से कि क्या इन लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद सलीम खान। सलीम खान जी, हम जानकारी लेना चाहेंगे आपको यहाँ पर गन्ने से संबंधित या किसानों को फसल से संबंधित क्या समस्याएं हो रही हैं? फसलें सब गई खाई जाती हैं और गन्ना इधर सूखा है, कड़ा तो नहीं होती। अच्छा सर, ये जानकारी लेना चाहेंगे सर कि यहाँ पे ट्रक वगैरह जो भी आती है तो कितने दिन बाद आती है और किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की तौल होती है? तीसरे चौथे दिन आ जाते हैं, तौल देखते हैं। एक दिन तौल होती है, एक दिन नहीं होती। हाँ सर बताइए। एक दिन तौल होती है, एक दिन नहीं होती। एक दिन होती है, एक दिन नहीं होती। अच्छा, जब आप यहाँ पे ट्राली लाते हैं अपना गन्ना लाते हैं तो कितने दिन आपको यहाँ पे खड़ी करनी पड़ती है उसके बाद? हफ्ता भर लग जाता है। हफ्ता भर लग जाता है। सर जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ पे जो गन्ना ये तोला जाता है ये आप लोगों का नंबर वाइज होता है या फिर ऐसा है कि जो आए वो अपना तोलवा देता है? तोल तो नंबर वाइज होती है। अच्छा, और किसी प्रकार का यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं हो रहा? नहीं। अच्छा सर, ठीक है सर। सर जानकारी लेना चाहेंगे आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? हमारे वहाँ ट्रक नहीं आते। हाँ, चौथे पांचवे दिन एक हफ्ते में खाली होता है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि गन्ना वगैरह सूख जाता है, जानवर नुकसान करते हैं, यहाँ के कांटा बाबू का क्या नाम है? दिनेश कुमार सिंह। दिनेश कुमार सिंह, ये कहाँ के रहने वाले हैं सर? राही धोंगी। राही धोंगी के। अच्छा, ये अपनी परमानेंट ड्यूटी देते हैं, इनसे आप लोगों ने कोई शिकायत की या फिर गन्ना समिति से कोई शिकायत की है कि हमारी ये समस्याएं और यहाँ पे ट्रक नहीं आते सर? बाबू जी कहते हैं सीसीओ साहब से बताओ। तो क्या आपने सीसीओ साहब को कोई लिखित में दिया है? हमने ऐसे ही बताया है, उन्होंने कहा है देखा जाएगा। मतलब देखा जाएगा। अच्छा, इसमें से किसी और ने भी कोई गुहार लगाई है गन्ना समिति से कि हमारे यहाँ ट्रक वगैरह नहीं आते हैं? ट्रांसपोर्टर्स कहा जाते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्टर कहा थे आज नहीं दूसरे दिन आवत है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी आप कहीं पर भी गुहार लगाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, वहाँ से आपको सिर्फ एक झूठी दिलासा दी जाती है? हाँ, ट्रक आ रही सुबह से शाम तक, लेबर लेबर ना जो ट्रक होती कहूँ या आवत कहूँ ना आवत लेबर ना, और जब ट्रक होती तो लेबर ना होती। अच्छा सर, सर जानकारी लेना चाहेंगे ये आपका जो सेंटर है ये किस? प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।